का जिक्र किया, एक तो अहम मसला ये है कि जो हमारी मेरिट की सीटें पंजाब में गुज़िश्ता अरसा 20-30 साल से जारी थी 1970 के बाद से, वो इन्होंने पेरिफरी के मेडिकल कॉलेजेस में भेज दिया, ये एक तो ये। दूसरा एक अहम मसला जो है हमारा HEC के जो है, हमें कोई सीटें मिली हुई थी वो 134 के करीब थी, वो गुडविल का था ये था कि बलूचिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे और मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं तो बलूचिस्तान में लहजा मेडिकल कॉलेजेस की सीटें गुडविल की बेसिस पे HEC ने वो दे दी, वो पूरे ज़्यादातर पंजाब में मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अभी जनाबे वाला HEC ने वो ख़त्म कर दिए हैं। सेनेट ने 20 जनवरी 2020 को बाकायदा एक रेजोल्यूशन भी इस पर पास किया है। तो अगर मैं ज़रूर साहब इसमें अगर आप पंजाब हुकूमत के साथ बात करेंगे तो आपको HEC के साथ भी, हायर एजुकेशन कमीशन के साथ भी सूबाई सतह पर बात करनी होगी कि जो बलूचिस्तान की 100 के करीब 134 के करीब सीटें हैं गुडविल की वो भी बहाल करें और जो 30 के 32 के करीब जो ये हमारी मेरिट की सीटें बनती हैं पंजाब के आला पाए के जो मेडिकल कॉलेजेस में इसको भी बहाल। तो ये दो चीज़ें हैं, इसको गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने HEC के साथ और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ टेकअप करना है जनाबे वाला। शुक्रिया। ने एक अहम मसले की जानब सबकी तवज्जो मबजूल कराई है, वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारी कुछ मेडिकल की सीटें थी जिसमें पंजाब के जो बेहतरीन कॉलेजेस थे उनमें उनकी एलोकेशन थी और उन्होंने वहाँ से ख़त्म करके लोअर एक के मेडिकल कॉलेजेस में जो है उनकी जो सीटें मुख्तस की हैं। इस हवाले से आज जो बच्चे जिनकी नॉमिनेशन हो चुकी है वो मेरे पास आए हुए थे तो सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने एक लेटर जो है लिखा है पंजाब के हेल्थ सेक्रेटरी को कि आप बराए मेहरबानी जो उनकी असल एलोकेशन है जो किंग एडवर्ड और फातिमा जना मेडिकल इंस्टीट्यूट में, तो उसमें दोबारा जो है उसको रिटेन करें। तो उस हवाले से CM साहब अभी आएंगे, वो भी डेफिनेटली जो है अपने काउंटर पार्ट से बात कर लेंगे। तो हमारी कोशिश होगी कि बल्कि हमारी जितनी पूरी जो है कोशिश होगी कि हम जो है अपने बच्चों का जो है उसको हक तलफी ना होने दो, ना होने दें। और दूसरी बात जनाब स्पीकर, जब पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे तुरबत और जो वहाँ पे जो लेस डिप्राइव्ड डिस्ट्रिक्ट के जो पैकेज का ऐलान किया हुआ था, तो उसमें उस्मान बुज़दार साहब ने जो बलूचिस्तान की एलोकेशन थी जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में उनकी सीटें मुख्तस थी उनके कोटे पे बलूचिस्तान के, तो उसको डबल किया है, 184 से लेके कोई 320 से कोई समथिंग लाइक दैट जो डबल बनता है वो कर दिया है। तो ये बड़ी खुशायंद बात है। बेसिकली ये जो सीटें थी वो 1972 से मुख्तस थी और उस वक्त से चली आ रही हैं। 2008 में जब ये सिलसिला आया था आगाज होकर बलूचिस्तान और एक आई पाई हुई थी, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से और मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज से बराह रास्त रब्ता किया था और बलूचिस्तान के बच्चों की जो सीटें हैं उनका जो कोटा है उनको डबल करवाया था, तो उससे डबल हो गई थी। तो इसमें मैं अपने अपोजिशन के दोस्तों को यकीन दहानी कराता हूँ कि जितना भी हर मुमकिन कोशिश हो सकेगा हुकूमत बलूचिस्तान इस हवाले से कोशिश करेगी। थैंक यू जी। शुक्रिया। तहरीक को कायदा नंबर 75-2 के तहत मतलूबा अराकीन असम्बली की हिमायत हासिल हो गई है, लिहाजा जनाब सनाउल्लाह बलोच साहब अपनी तहरीक अल्तवा नंबर 1 पेश करें। शुक्रिया। कवायद इंजबात कार मजलिया 1974 के कायदा नंबर 70 के तहत जेल तहरीक अल्तवा का नोटिस देता हूँ। तहरीक ये है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 माह में 5वीं बार ओशरबा इजाफा किया गया है, इखबारी तराशे मुंसलिक हैं और इसके बलूचिस्तान जैसे गरीब माशी तौर पर बदहाल सूबे और इसके अवाम पर यकीनन बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। लहजा असम्बली की आज की कार्रवाई रोककर इस अहम और फौरी नियत के आमिल अवामी मसले को जेर बहस लाया जाए। शुक्रिया जनाब।